बात करते हैं समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक केस की, जिसमें सरकारी गवाह बन गए हैं अमित चक्रवर्ती। न्यूज क्लिक के एचआर हेड हैं वो, और न्यूज क्लिक के यूएपीए केस में एंटी टेरर लॉ जो है उसमें सरकारी गवाह वो बने हैं। सरकारी गवाह बनने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में उन्होंने अर्जी दाखिल कर दी है। शनिवार को अमित चक्रवर्ती का बयान भी रिकॉर्ड हुआ, सूत्रों के हवाले से खबर है, और अभी कुछ और बयान उनका रिकॉर्ड होना बाकी है। आपको बता दें, चीन से धन प्राप्त करने के आरोपों के बीच इस समाचार पोर्टल के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच चल रही है। तो न्यूज क्लिक केस में, जिसमें कि यूएपीए लगाया गया था, उसमें जो न्यूज क्लिक के एचआर हेड है अमित चक्रवर्ती, उन्होंने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाखिल की है सरकारी गवाह बनने के संबंध में। और अब यहाँ पर एक नया मोड़ इस केस में आता हुआ दिख रहा है। मुकेश हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। मुकेश, अब जबकि एचआर हेड खुद सरकारी गवाह बन रहे हैं, तो किस तरह का असर इस केस पर अब देखने को मिलेगा? देखिए, इस केस में ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में दो लोग अरेस्ट किए थे। एक जो न्यूज क्लिक के संपादक हैं प्रवीर पुरकायस्थ, और दूसरे जो एचआर हेड अमित चक्रवर्ती हैं। इन दोनों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था, और एलिगेशन ये था कि न्यूज क्लिक में चाइना से फंड आ रहा है, और उसके बदले में जो न्यूज क्लिक है वो देश विरोधी खबरें या जो प्रोपोगंडा है वो फैलाने की कोशिश कर रहा है। और ये भी एलिगेशन था कि इनके तार जो है पाकिस्तान में खुफिया एजेंसी आईएसआई और चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता नेविल राज सिंघम से जुड़े हुए हैं। तो इस मामले में अगर जो एचआर हेड हैं अगर वही सरकारी गवाह बन जाएंगे तो दिल्ली पुलिस का जो केस है वो अपने आप में काफी मजबूत हो जाएगा। तो अमित चक्रवर्ती ने पटियाला हाउस कोर्ट में सरकारी गवाह बनने के लिए एप्लीकेशन मूव की है। उनका कुछ बयान शनिवार को रिकॉर्ड हुआ था और कुछ बयान अभी रिकॉर्ड होना है। तो दिल्ली पुलिस के लिए जो केस उन्होंने दर्ज किया है उस केस में एक बड़ा डेवलपमेंट है, और दिल्ली पुलिस के लिए इस केस की जांच करना और इसे प्रूव करना काफी आसान हो जाएगा। जी, यहाँ पर जो धाराएं लगाई गई हैं यूएपीए और कई केस इसमें लगे हैं, उसके बारे में बताएं मुकेश। देखिए, इसमें जो धाराएं हैं वो बेसिकली यूएपीए के तहत लगी हैं, यानी कि आतंक विरोधी अधिनियम जो है वो लगा हुआ है। इसमें जो बेल है वो आसानी से नहीं मिल पाती है, और इसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट तक होता है अगर ये प्रूव हो जाए तो। तो इसमें जो दिल्ली पुलिस है वो बहुत जल्दी ही जो गौतम नवलखा है, जो कि भीमा कोरेगांव हिंसा में फंसे हुए हैं, उस मामले में केस चल रहा है और मुंबई में हाउस अरेस्ट है, उनसे भी पूछताछ करने वाली है, क्योंकि वो भी न्यूज क्लिक के शेयर होल्डर हैं। तो इस केस में कई लोगों के नाम हैं, लेकिन अब जो बड़ा जो डेवलपमेंट है वो यही है कि अगर एचआर हेड ही अगर अप्रूवर बन जाएंगे तो दिल्ली पुलिस का केस प्रूव करना आसान हो जाएगा।